एयरपोर्ट के विस्तार और नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण का काम एक साल से कम समय में पूरा होने जा रहा है। इसके निर्माण और विस्तार कार्य को पूरा करने के लिए काम भी जोर शोर से चल रहा है। 16 अक्टूबर 2022 को अमित शाह ने एयरपोर्ट के विस्तार और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। एयरपोर्ट बने और पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के कार्यकाल में आज 148 एयरपोर्ट बन चुके। मोदी है तो मुमकिन है का जीता जागता उदाहरण है ग्वालियर एयरपोर्ट, जो जल्द ही अपने अत्याधुनिक रूप में सामने आएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट नए एयर टर्मिनल को दुगना रफ्तार से दौड़ा जाएगा। सितंबर में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लक्ष्य के कारण अब दिन रात काम होगा। अभी तक रोज 1 करोड़ का बजट खर्च करने के पैटर्न पर काम किया जा रहा था, लेकिन अब 2 करोड़ का बजट रोजाना खर्च किया जाएगा और मैन पावर बढ़ाई जाएगी। वहीं बारिश को लेकर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की चिंता है, क्योंकि साइट पर बड़ा काम चल रहा है और ढांचे को कवर नहीं किया गया तो परेशानी आ सकती है। जुलाई से पहले से कवर कर लिया जाएगा। 3-tier वर्किंग पर काम किया जा रहा है। 60% फिजिकल वर्क पूरा हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से हर सप्ताह केंद्रीय मंत्री को प्रगति रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में इसका जिक्र किया था। आपको कोलकाता जाना है, हफ्ते में 2 दिन, कमाल कैसे संभव होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया। बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, और क्यों है भी मैं बता दूंगा। देश की आजादी के 75 वर्षों में देश में केवल 74 एयरपोर्ट बने और पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के कार्यकाल में आज 148 एयरपोर्ट बन चुके। राजमाता विजय राजे एयर टर्मिनल का विस्तार कर नया एयर टर्मिनल 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान की जमीन को अधिग्रहित किया गया है। ये अत्याधुनिक एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें वर्तमान में यात्री क्षमता प्रतिदिन 150 की जगह पर 1500 यात्री प्रतिदिन हो जाएगी। प्रदेश का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। सितंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देना है। नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी है। यही कारण है कि अथॉरिटी का इस प्रोजेक्ट पर फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।